वो जो बोया जाता है वो फना होने वाला है, लेकिन जो जी उठा है वो गैर फानी है। पहली तलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम 15वां बाब 35वीं से 37वीं और 42वीं से 39वीं आयत तक। शायद कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं या किस किस्म के बदन के साथ आते हैं। ऐ नादान, जो चीज़ तू बोता है अगर वो ना मरे तो कभी ज़िंदा नहीं की जाती, और ये जो तू बोता है वो जिस्म नहीं जो होने वाला है, बल्कि सिर्फ़ एक दाना है, खा गेहूं का खा किसी और चीज़ का। यूं ही मुर्दों की कयामत है, फना की हालत में बोया जाता है, बका की हालत में जी उठता है। ज़िल्लत की हालत में बोया जाता है, अजमत की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है, तकवियत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है, रूहानी जिस्म जी उठता है। अगर नफसानी जिस्म है तो रूहानी भी है, चुनाचे लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जीती जान हुआ, पिछला आदम ज़िंदगी बख्शने वाली रूह हुआ। लेकिन रूहानी पहले ना था बल्कि नफसानी था, इसके बाद रूहानी पैदा हुआ। पहला आदमी ज़मीन से खाकी था, दूसरा आदमी आसमानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही हम खाकी हैं, जैसा वो आसमानी है वैसे ही हम आसमानी होंगे। और जिस तरह हम उस खाकी की सूरत पर पैदा हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी पैदा होंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। जमाइती जवाब, खुदावंद के हजूर मैं जिंदों के नूर में चलूँगा, मेरे दुश्मन तब पीछे हटेंगे जब मैं तुझे पुकारूँगा। इससे मुझे यकीन है कि खुदा मेरे साथ है। जमाइती जवाब, खुदावंद के हजूर मैं जिंदों के नूर में चलूँगा। खुदा पर जिसके वादे पर मैं फ़ख्र करता हूँ, खुदा पर मेरा तवक्कल है, मुझे खौफ नहीं होगा, इंसान मेरा क्या कर लेगा। जमाइती जवाब, खुदावंद के हजूर मैं जिंदों के नूर में चलूँगा। ऐ खुदा, तेरे मिन्नतें मुझ पर हैं, मैं तेरे लिए शुक्रगुजारी की कुर्बानियाँ अदा करूँगा, क्योंकि तूने मेरी जान को मौत से छुड़ाया है और मेरे पाँव को फिसलने नहीं दिया, ताकि मैं खुदा के हजूर जिंदों के नूर में चलूं। जमाइती जवाब, खुदावंद के हजूर मैं जिंदों के नूर में चलूंगा।